विवेक यानी बोध। उनका नाम नरेंद्र था। उनके गुरु उन्हें विवेकानंद कहते थे क्योंकि उनके बोध की क्षमता ऐसी थी। वो पहले योगी थे जो अमेरिका आए थे 1893 में, और उन दिनों एक लहर सी उठा दी। वो यूरोप भी गए और अमेरिका से वापस लौटते समय वो एक जर्मन फिलोसोफर के घर मेहमान थे। डिनर के बाद वो स्टडी रूम में बैठकर आपस में चर्चा करने लगे। वहां मेज पर 700 पेज की एक बड़ी सी किताब रखी थी। विवेकानंद ने कहा, क्योंकि वो आदमी किताब की बहुत बढ़ाई कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप मुझे एक घंटे के लिए किताब दे सकते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा, आप एक घंटे में इस किताब को पढ़ने वाले हैं? मैं इसे कई हफ्तों से पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये इतनी जटिल है, और वैसे भी ये किताब जर्मन भाषा में, आपको ये भाषा आती भी नहीं। एक घंटे में आप क्या करने वाले हैं? विवेकानंद ने कहा, आप किताब दीजिए, मैं देख के बताता हूं। तो उन्हें वो किताब दे दी गई। उन्होंने किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और आंखें बंद करके बैठ गए। एक घंटे बाद किताब वापस करते हुए उन्होंने कहा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। उस आदमी को लगा कि ये तो घमंड की हद हो गई। आपने किताब को खोला तक नहीं और आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, आपको यह भाषा तक नहीं आती। वो थोड़ा नाराज सा हो गया कि ये कैसी बकवास है। विवेकानंद ने कहा, आप किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पेज 633 में क्या लिखा है? विवेकानंद ने एक एक शब्द दोहरा दिया। You ask any page. आप बस पन्ने का नंबर बोलिए, वो उस पन्ने पर लिखी बातों को शब्दशः बता देंगे। फिर उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने किताब खोली तक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, इसलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। विवेक यानी बोध। उनका नाम नरेंद्र था। उनके गुरु उन्हें विवेकानंद कहते थे क्योंकि उनके बोध की क्षमता ऐसी थी। तो उन्होंने कहा, इसलिए मुझे विवेकानंद कहते हैं। तो जीवन का बोध, आप सारी चीजों को अपने लॉजिकल माइंड में प्रोसेस नहीं कर सकते। ये इस तरह काम नहीं करता, क्योंकि तर्क जीवन की बहुत सारी चीजों को नकार देता है जिनके बिना आप जी नहीं सकते। कुछ दिन पहले, अभी 4 दिन पहले ही, मैं इस देश के एक माने हुए पर्यावरण वैज्ञानिक से कुछ विषयों पर बात कर रहा था, और डिनर के दौरान हमने आपस में बहुत सी चीजों पर चर्चा की। तो उसने पूछा, सदगुरु आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं? मैंने कहा, मैं एस्ट्रिक्स और डेनिस द मेनिस पढ़ता हूं। रीडिंग, मुझे और कुछ पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि मैं लगातार सफर में रहता हूं, अखबार ही पढ़ लूं तो बहुत बड़ी बात है। फिर आपको ये सारी जानकारी कहां से मिलती है? मैंने कहा कि मैं आपसे उठा रहा हूं, आपने ये सब पढ़ रखा है, मैं क्यों फिर ये सब पढ़ूं? मैं उन सब किताबों को नहीं खोलता, आप यहां बैठे हैं और मैं इन सभी चीजों को उठाकर बातें कर रहा हूं। लेकिन आपको ये सारे टेक्निकल शब्द कैसे पता चले? मैंने कहा, क्या ये आपके दिमाग में मौजूद नहीं है? मुझे जब चाहिए मैं उन्हें उठा सकता हूं। मैं वो सारी बकवास कभी नहीं पढ़ने वाला क्योंकि वैसे भी वो शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। इंसान के बोध की क्षमता केवल शब्दों को समझने से कहीं परे है। इस समय मैं बोल रहा हूं, दरअसल आपके बोध की क्षमता इन शब्दों से कहीं परे है जो आप सुन रहे हैं। लेकिन चूंकि आपके मन को ट्रेनिंग मिली है कही हुई चीज को न केवल सुनने की बल्कि याद करने की और लिख लेने की, कुछ लोगों के हाथ में बहुत खुजली हो रही है। आपको जो बात काम की लगती है उसे लिखना जरूरी है, लेकिन मनुष्य का बोध इससे कहीं परे तक जाता है। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि बस मेरे साथ रहिए, बस मेरे साथ रहिए। अगर आप बस यूं ही मेरे साथ रह सकें तो इसे जानने की आपकी क्षमता मेरे कहे हर एक शब्द को लिख लेने की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। अगर आप ये सारे शब्द बटोर लेते हैं तो वास्तव में आप कुछ नहीं जान पाएंगे। इस तरीके से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो बोध को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि आप उसी को जानते हैं जो आपके बोध में होता है। बाकी सब बस कहानी और कल्पना है ना? जो आपके बोध में है और आपने अनुभव किया है आप बस उसी को जानते हैं, बाकी सब खोखली कहानियां हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहानी कितनी शानदार है, ये फिर भी बस एक कहानी है जो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएगी। अगर इसे आपके जीवन में कोई बदलाव लाना है तो इसमें अनुभव का एक आयाम होना चाहिए।
वो तभी होगा जब आपके पास ऐसा बोध होगा।